लागी का मार्ग ओर है, लगे चोट काल जा करके। क्या कोरोना को लेकर पहले ही हो चुकी है भविष्यवाणी? क्या कोरोना बन जाएगा पूरी पृथ्वी पर मानव सभ्यता के अंत का कारण? क्या कोरोना बन चुका है भयानक त्रासदी? क्या सभी देश मिलकर रोक पाएंगे कोरोना को? क्या कोरोना के सामने साइंस ने भी टेक दिए हैं घुटने? क्या कोरोना को रोकने आना पड़ेगा भगवान को? क्या हो सकता है कोरोना का आध्यात्मिक तरीके से इलाज? नमस्कार दोस्तों, मोक्ष टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसे विषय पर रिपोर्ट लेकर आए हैं जिसके खौफ का माहौल पूरे विश्व में है। आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस चीन से निकलकर आज लगभग पूरे विश्व में फैल चुका है। सभी देशों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है कोरोना वायरस। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि 600 साल पहले ही कोरोना वायरस के बारे में भविष्यवाणियां हो चुकी हैं। जी हाँ, उन्होंने इसे कोरोना वायरस का नाम न देकर एक महामारी का नाम दिया है। अब हम उन भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां बताने जा रहे हैं जिन्होंने कोरोना वायरस के बारे में पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। संत सूरदास जी ने अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चाहू दिशा काल फिरे, अकाल मृत्यु जग माही, व्यापे प्रजा बहुत मरे। संत सूरदास जी कह रहे हैं कि चारों दिशाओं में मौत का तांडव होगा और अकाल मृत्यु यानी महामारी पूरे विश्व में फैल जाएगी और बहुत लोग मारे जाएंगे। जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक तुलसीदास जी ने अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि आगे का समय विनाशकारी होगा, बचेगा वही जो होगा शाकाहारी। यानी उन्होंने कहा है कि अगर जीवन बचाना है तो शाकाहारी बन जाओ। उनकी यह भविष्यवाणी सत्य साबित हुई है। उन्होंने यह भी लिखा है कि चीन में बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे जाएंगे, भारत करेगा। न्यूयॉर्क की भविष्यवक्ता सेल्विया ब्राउन ने अपनी पुस्तक एंड ऑफ द डेज के पृष्ठ 312 पर लिखा है कि इन अराउंड 2020 अ सेवर निमोनिया लाइक इलनेस विल स्प्रेड थ्रू आउट द ग्लोब अटैकिंग द लंग्स एंड द ब्रोंकियल ट्यूब्स एंड रेजिस्टिंग ऑल नोन ट्रीटमेंट्स। Almost more baffling than the illness itself will be the fact that it will suddenly vanish as quickly as it arrived, attack again 10 years later and then disappear completely. उन्होंने यह कहा है कि 2020 के आसपास एक ऐसा वायरस फैलेगा जो फेफड़ों को, ब्रोंकियल ट्यूब्स को प्रभावित करेगा। यह वायरस पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगा। संत रविदास जी ने कहा है कि सभी तरफ कोहरम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान चलेगा, नेता मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भारी, छोड़ सभी मैदान भागेंगे, सब अपने अपने घर दुबकेंगे। यानी कि सभी तरफ कोहरम मचा होगा, सभी लोग डर में अपने घरों में दुबक कर बैठ जाएंगे। फ्रांस के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नॉस्ट्रेडामस ने कहा है कि चारों तरफ हाहाकार मचा होगा, महामारी फैल जाएगी जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु होगी। हंगरी की महिला ज्योतिषी बैरिस्का ने कहा नास्तिकता इस महामारी का कारण होगी। अमेरिका की महिला भविष्यवक्ता जीन डिक्सन के अनुसार पूरे विश्व में हाहाकार होगा तथा मानवता का संहार होगा। इन सभी भविष्यवाणियों से पता चलता है कि कोरोना वायरस से बहुत भारी संख्या में लोगों की मृत्यु होगी। इन सब भविष्यवक्ताओं ने इस महामारी के जिक्र के साथ इसके इलाज व मानव सभ्यता को बचाने के उपाय भी बताए हैं। उन्होंने बताया है कि इस महामारी को आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा मिटाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत में एक ऐसी दिव्य शक्ति का जन्म होगा जो पूरे विश्व में शांति स्थापित कर देगा। सभी लोग उसकी दिव्य शक्ति से ईश्वरीय शक्ति की ओर अग्रसर होंगे। भविष्यवक्ताओं के अनुसार वह महापुरुष वर्तमान समय में पृथ्वी पर विद्यमान है। वह दिव्य पुरुष आखिर कौन हो सकता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हमें उस महापुरुष को ढूंढने में आसानी हो और मानव सभ्यता को कोरोना जैसी महामारी से बचाया जा सके।
अगर आपको हमारी वीडियो में दी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें।